जाता पॉल, इससे पहले कि आप जवाब दें, क्योंकि दो बार सवाल पूछा जा चुका है तेजस्वी यादव की चुप्पी के बारे में, तो कंचना जी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। कंचना जी, चुप्पी की देखिए, पक्ष उनको नहीं दिखता है जो देखना नहीं चाहते हैं। हकीकत यह है कि इस पूरे केस में दो पहलू है। पहला पहलू यह है कि बिहार की जो एनडीए की सरकार है और मोदी और नीतीश की जो सरकार है वो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो चुकी है। और जब आपके घर में अत्याचार, एक सेकंड शहजाद जी हंसिया मत, अभी आपको जवाब भी देना पड़ेगा। आप अत्याचार पर और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर ऐसे हंसते हो? अभी कल तेजस्वी जी ने रामनाथ सत्य का एक बुलेटिन निकाला जिसमें 142 अपराध हुए हैं, हत्या, रेप, बलात्कार, डकैती, कोई ऐसा केस नहीं है जो उसमें नहीं था। और जब आपके घर में होता है ना, और आप जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके कह रहे हैं कि मनोबल वहां पर ऐसे खत्म करना, आप पहले अपने घर में मनोबल नहीं खत्म करोगे अपराधियों का, तो बाहर वाले क्या करेंगे? और इसका यह मतलब नहीं होता बाहर वालों को लाइसेंस मिल जाए। यहाँ ममता बनर्जी जी की सरकार को भी कहा आप जस्टिफाई कर रही है क्या? हमारे यहाँ स्टेट में हो रहा है, हमारी सरकार नीतीश सरकार फेल हो रही है, अत्याचार, आप जस्टिफाई कर रही है बिहारियों के पीटे जाने को? और आपके सरकार में, आपके राज्य में ऐसा बिहार वासियों के साथ होगा। लेकिन एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, 2018 की केस है। नहीं, कंचना जी, मैं समझ नहीं पाई, आपने कहा कि बिहार पुलिस की खामी है, बिहार पुलिस की कमी है, कि बंगाल में ऐसा क्यों हो गया? तो आप क्या चाहती हैं, कि बिहार पुलिस घुस जाए बंगाल के अंदर और पीटने लग जाए इन लोगों को, या इनको अरेस्ट कर ले? पद्मजा जी, मैं आपको पिछली बार भी यही बोली थी कि मैं जो कहना चाह रही हूँ आपको समझना ही नहीं। हकीकत यह है कि आपके घर में हर रोज अत्याचार हो रहा है, और इसीलिए बंगाल में भी अत्याचार हो रहा है। यह पता है कि आपके घर में जीवन की इज्जत नहीं है, उनके जीवन की कोई इज्जत नहीं है, कोई कत्र नहीं है। लेकिन अगर बिहार सरकार फेल होती है अपराध मामले में, तो किसी को लाइसेंस, किसी और राज्य को लाइसेंस नहीं दे देता है कि वहां के व्यक्ति के ऊपर दूसरे राज्यों में अत्याचार हो। मैं आपका रीजनिंग समझ नहीं पाई। क्या आप एक्शन रिएक्शन की थ्योरी दे रही है कि बिहार पे लोगों पे अत्याचार हो रहा है तो बंगाल में भी होगा ही होगा? मैं वही कह रही हूँ पद्मजा जी, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप पीएमसी से आगे देखना नहीं चाहती, आप बिहार में नहीं देखना चाहती हैं कि जब बिहार में हर रोज, हर एक हफ्ते में 50 अपराध। मैं आपकी बात मान रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि बिहार में मान लेते हैं आपकी बात, पूरी तरीके से जंगल राज पसरा हुआ है, तो इसका मतलब ये है, अगर आपका ये कहना है तो आप कह रहे हैं कि बंगाल में भी यही होगा क्योंकि बिहार में चल रहा है ऐसा। पद्मजा जी, मैंने एक लाइन और बोला, आप समझी, लाइसेंस का मतलब समझती हैं? मैंने बोला अगर एक राज्य में बिहार में हो रहा है तो किसी को लाइसेंस नहीं दे देता है कि बिहार वासियों के ऊपर किसी भी स्टेट को वो लाइसेंस। ठीक है, तो आप चुप क्यों हैं इस बात पे? कोलिशन कंपल्शन जो एक बार पे कहा गया था, कोलिशन कंपल्शन है क्या? ये लाइसेंस नहीं देता कि बिहारियों के ऊपर गुजरात में अत्याचार हो, बिहारियों के ऊपर बंगाल में अत्याचार हो, बिहारियों के ऊपर। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा, पहले शहजाद पूनावाला फिर हर्षवर्धन। ठीक है, एक लाइन, डीएनए पर सवाल नहीं उठा सकते। सिर्फ एक लाइन का सवाल है, क्या कोई ऐसा बयान, कोई ऐसा लिखित में तेजस्वी यादव का कोई भी एक आया कि अंकित यादव के ऊपर जो बंगाल में हुआ वो गलत था? कोई एक आया हो, मतलब सिर्फ जानकारी के लिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि कंचना यादव बिहार, वो वीडियो चला दीजिए ताकि लोग समझ पाए अंकित यादव कौन है। अंकित यादव वो युवक है जिसको उठक बैठक कराई जा रही है। नहीं, सुनिए, आप तीनों लोग सवाल पूछ रहे हो। अभी हमारे एक प्रवक्ता जी ने बोला है कि तेजस्वी जी ने और लालू जी ने बात की है वहां की सरकार से कि आप इमीडिएटली एक्शन लीजिए, बिहार के लोगों पर ऐसा अत्याचार नहीं होता। लेकिन शायद आपको सुनाई भी नहीं देता, मुझे लगता है आपको समझ ही नहीं आता, लेकिन आपको सुनाई भी नहीं देता। शांति से एक ऐसे चिल्ला के अगर आपने किया होता तो अच्छा रहता। मैं कह रहा हूँ एक आया हो तो दिखा दीजिए ना, आप लोग तो दिखा सकते हैं, आप बता दीजिए कहाँ हुआ है तो हम लोग भी देख लें, देश भी देख लेगा। अच्छा, एक बयान है क्या तेजस्वी? मोदी, एक सेकंड, मोदी जी मणिपुर गए, आपको दिखाई दिए क्या? दिखाई दिए, हमने तो फोन पर इमीडिएटली। नहीं गए थे मोदी जी मणिपुर, नहीं गए थे, किसी को नहीं दिखा, गए ही नहीं थे। इसका मतलब बयान नहीं दिया ना तेजस्वी ने, पार्लियामेंट में मोदी जी बोला। आपको बिहार राज्य से सवाल, कंचना यादव ऐसे घूमने से नहीं चलेगा ना, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, एक लाइन की बात तो बता पाइए, देश देख रहा है आपको। आप पत्रकार, अंकित यादव को बंगाल में पीटा गया उस पर तेजस्वी एक लाइन नहीं बोले, एक शब्द नहीं लिखा, इसको स्वीकार कीजिए पहले, क्यों गोल गोल घुमा रही है? आप पत्रकार हैं, भाजपा के समर्थक हैं, इस बात को आप मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन अंकित यादव के पिटने पर आपके बोल क्यों नहीं निकलते? आप पत्रकार को कुछ भी कह सकती हैं, ये तो आप लोगों का अंदाज है, राष्ट्रीय जनता दल के लोग सब जानते हैं। बोलिए, मैं बोलूं, बोलिए, पद्मजा जी,
पद्मजा जी बिहारी के ऊपर कहीं भी किसी भी अदर राज्य में अगर उन पर अत्याचार होता, 2018 में 350 बिहारियों के ऊपर वो माइग्रेट करके फिर वापस आ गए, गुजरात में अत्याचार हुआ हमने तब भी आवाज उठाया, 15 में मोदी जी ने डीएनए पर सवाल उठाया हमने तब भी उसका कड़ा विरोध किया। लेकिन यहाँ सरकार तो बिहार राज्य सरकार से होनी चाहिए कि बिहार राज्य सरकार क्या एक्शन ली, हम तो अपोजिशन वाले हैं, फिर भी हमने वहाँ की सरकार से बात किया, हमने कहा कि आप धराशायी हो चुका है बिहार में, और आपने बिहारियों की हक की रक्षा के लिए क्या किया? हाँ, सबसे पहले तो कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की बात ही नहीं हो रही है आज, और क्या ये जस्टिफाई किया जा रहा है कि यदि एक प्रदेश में कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, वैसे तो आपके समय पर जंगल राज था, तो इसका मतलब ये है कि उस समय पर मैंने आपके बीच मैंने किसी के बीच में बोला, ये तरीका गलत है ना भाई, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, मैं तो हाईजैक कर सकता हूँ डिबेट, नहीं नहीं ठीक है, डिबेट करने का तरीका ही मुझे बदलना पड़ेगा, अनुशासन में डिबेट ही नहीं हो पा रही है, ये क्या तरीका है? आपने सवाल पूछा है बीजेपी ने क्या किया उनके हक की रक्षा के लिए, पर मैं अपने समय पर अपने तरीके से जवाब दूंगा, ऐसे नहीं होगा, एक एक करके प्लीज, नहीं तो हम सब चिल्लाते रहेंगे। मैंने कंचना की सारी बात सुनी, मैं स्टूडियो में बैठा हूं फिर भी मैं उनके बातों पर अतिक्रमण नहीं कर रहा हूं, प्लीज एक एक करके। सबसे पहले तो ये इररेलेवेंट है कि बिहार में कानून की व्यवस्था है या नहीं है या कैसी है, क्योंकि इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जायज ठहरा रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो। तृणमूल कांग्रेस की पूरी देखरेख है कानून व्यवस्था की बंगाल में, भारत का कोई भी नागरिक वहां पर किसी भी काम में जा सकता है, वहां पर बिहार के उत्तर प्रदेश के लोग सांसदिक टीएमसी के टिकट से लड़ते हैं, पर एक कॉमन बिहारी जो एग्जाम देने जाता है वो पीटा जाता है और उसके अपराधियों को ठीक से कार्रवाई नहीं होती है, और आप बिहार के लोगों पर तोहमत लगा रही है। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए, प्लीज बीच में मत इंटरव्यू, तरीका नहीं अपनाऊंगा भाई, आपत्ति है, आप कह रहे हैं कि बिहार पे तोहमत नहीं है, आपकी सरकार पर तोहमत, बिहार ये कह रही है कि भाजपा जेडीयू सरकार पर तोमर है, हाँ, आपकी सरकार ने खराब है, तो इसका मतलब बिहारी पीटेगा तृणमूल कांग्रेस के राज्य में, बात पूरी कीजिए, मुझे लगता है कि ये बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि बिहार की पुलिस, वैसे तो बिहार, आप तो खुद बोलती है फेडरल स्ट्रक्चर, आप सीबीआई को अंदर नहीं आने देना चाहती है, आप किसी और की पुलिस को आने देना नहीं चाहती है, फिर भी बिहार की पुलिस ने तो वहां की पुलिस से संपर्क कर लिया है। पर मेरा सवाल यह है कि जो तेजस्वी फिश और चिकन खाते हुए अपनी तस्वीर साझा कर सकते हैं, वो तेजस्वी एक संदेश नहीं दे सकते बिहारी यूथ के लिए कि बिहार का यूथ जो है सिर उठाकर भारत के किसी भी हिस्से में जाए।